ईकेपर इंडिया के सभी दर्शकों को ज्योतिषी आनंद शर्मा जी का नमस्कार। आज बात करते हैं दिनांक 25 जुलाई 2020 के राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। दिनांक 25 जुलाई 2020 दिन शनिवार, श्रवण शुक्ल की पंचमी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, परीद योग और कौलव करण है। आज का दिन जो है चंद्रमा है कन्या राशि में। सबसे पहले आज दिन विशेष की बात करेंगे। आज श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि है। जिस भी जातक को काल सर्प दोष या किसी भी प्रकार के सर्प दोष से वो पीड़ित है तो आज का दिन अति शुभ है काल सर्प दोष के शांति पूजन कराने के लिए। तो आज आप इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गोचर के अनुसार आज के दिन के राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आज के दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और किसी भी प्रकार के नौकरी चाकरी या कर्म के क्षेत्र में आज का दिन आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आज का दिन ऋण लेन देन से बचें। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बड़ा ही सुंदर बन रहा है। आज आपके धन लाभ के नए नए क्षेत्र से नए तरह के कामों के लाभ होने की आपकी संभावना बन रही है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी आज का समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, लेकिन थोड़ी सी खर्च की अधिकता आपको परेशान कर सकती है, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बड़ा ही मंगलमय है और कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, नए काम, किसी भी बड़े काम में आज आप हाथ डालेंगे तो आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय बड़ा ही उत्तम है। नए प्रकार के व्यापारिक अनुबंध के लिए आज का दिन बड़ा ही उत्तम है। आपके रुके बड़े काम आज के दिन में बखूबी बनने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का समय अति उत्तम रहने वाला है। आज आपके जो भी काम जो इतने दिनों से अटके हुए थे वो सभी कामों में तेजी आएगी, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, लेकिन साथ ही वाहन सावधानी से चलाए। इसके बाद बात करते हैं हम तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय बड़ा ही अनुकूल है, समय बड़ा ही अच्छा है, स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन भी बड़ा ही मधुर रहने वाला है। किसी भी प्रकार के निवेश के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी आज का समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। काम धाम, नौकरी चाकरी और अन्य क्षेत्रों में भी आज का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए भी आज का समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। पठन पाठन धर्म कर्म के क्षेत्र में आज आपको काफी मन लगने वाला है। कहीं से अटके हुए पैसे भी आज आपको मिलने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। झगड़े झमेले से बचे, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के मामलों में भी तेजी आ सकती है, तो जरा संयम से काम ले। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल है, लेकिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद से और व्यर्थ खर्चों से आज आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए समय बड़ा ही उत्तम चल रहा है, समय बड़ा ही लाभदायक चल रहा है, आज इसका सदुपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।